अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट से लोन कैसे लोगे। देखो मैं फ्लिपकार्ट का पे लेटर प्रोग्राम इसके अंदर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, फ्लिपकार्ट आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट लोन वाला ऑप्शन लेके आया है जहां पे से आप जो है वो पर्सनल लोन ले सकते हो अप टू 5 लाख रुपीज तक का। तो भाई इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखना, अगर जो है वो आपको इंस्टेंट लोन की नीड है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे ना मेरे चैनल के अंदर 2 कम्युनिटी गैलरी स्ट्राइक चल रही है, अगर एक और आ जाती है तो हो जाएगा चैनल डिलीट। तो भाई इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेकेंडरी चैनल बना के रखा हुआ है, आप जाके उस चैनल को फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेकियोम 2.0 का। तो चलो बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूँ आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर कि कैसे आपको जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना है और क्या क्या इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चले जाना है फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो मेक श्योर आपकी एप्लीकेशन अपडेट होनी चाहिए, अगर आपने एप्लीकेशन अपडेट नहीं करी है तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ना आप लोगों के पास ऊपर से ही ऑप्शन आने वाले हैं, यहाँ पे आपको सुपर कॉइन प्लस नेक्स्ट जनरेशन बैंड मनी लाइव शॉपिंग ईएमआईस वगैरह के आपको ऑप्शन देखेंगे मिलने वाले हैं। सिंपली फ्रेंड्स आपको चले जाना है यहाँ पे मनी वाले सेक्शन के अंदर। अब देखो जैसे आप मनी वाले सेक्शन के अंदर जाते हो ना तो मेक श्योर आपका पे लेटर वाला प्रोग्राम एक्टिवेट होना चाहिए, अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो मे बी अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो नहीं होने वाला है। तो उसके लिए गए सिंपली, अगर आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है आपको पेपरलेस जो है वो सारी की सारी प्रोसेस होने वाली है, 30 सेकंड लगेंगे और अफोर्डेबल ईएमआई के साथ जो है वो आपकी प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं सिंपली जो है वो कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको अप टू 5 लाख रुपीज तक का लोन देते हैं, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है एक्सक्लूसिव फॉर यू। ठीक है सिंपली देखो यहाँ पे अपनी आपको पैन कार्ड डिटेल डालनी है, आपको जो है वर्क डिटेल डालनी है और आपका लोन ऑफर आपके हाथ में होने वाला है। मैं फटाफट से सारी डिटेल फिल कर देता हूँ और आपसे मिलता हूँ लोन ऑफर वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर। अब देखो जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट करते हो ना तो उसके बाद यहाँ पे से आप लोगों के पास आएगा कि भाई आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है, आप यहाँ पे क्या काम करते हो। तो यहाँ पे अगर आप से एक सैलरीड पर्सन हो तो मेक श्योर आपकी सैलरी 15,000 रुपये होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो आप इसके अंदर एलिजिबल होने वाले हो। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई यहाँ पे जो है वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से यहाँ पे अपनी जो है वो सर्विसेज चूज कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे क्या सर्विस देते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रीलांसर मैं लिखता हूँ तो भाई फ्रीलांसर का ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पे जो है वो इंटरनेट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मैं इंटरनेट के आसपास डालता हूँ। तो यहाँ पे देखो इंटरनेट कंपनीज और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने मिलेगा, साइबर कैफेज और इंटरनेट कंपनीज, मैं यहाँ पे डालता हूँ और मैंने अपना टर्नओवर डाल दिया है, ये बेसिक टर्नओवर है ओवरऑल सारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को लेके। उसके बाद मैं डालता हूँ व्यू लोन ऑफर के ऊपर, यहाँ पे उसके हिसाब से आप लोग के पास आपके सिबिल को देख के आपका लोन ऑफर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, इनने यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे आपको जो है वो अपना रीपे करना होगा करंट लोन। ऑलरेडी मेरे पास एक लोन चल रहा है यहाँ पे मेरी कार को लेके जो है 12 से 13 लाख का, तो इन्होंने यहाँ पे जो लोन मेरे को नहीं दिया। और दूसरा क्या है, आपको जो है वो अपना सिबिल स्कोर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर अगर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलने वाला है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आपके लोन मिलने के क्या क्या चांसेस हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ कंटिन्यू एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर हेल्प वाले सेक्शन के अंदर जाते हो जैसे ही तो यहाँ पे आपको बताया है कि भाई यहाँ पे आपको क्या इंटरेस्ट पड़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको किस तरीके से ईएमआईज कंप्लीट करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। देखो पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट वेरी कॉम्पिटिटिव, द पर्सनल लोन चार्जेस और द इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो इनकी वेबसाइट से मिलेगा जो यहाँ पे इनको रेफर करती है एक्सिस बैंक वालों की। मतलब आपको जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने वाले हैं वो है यहाँ पे एक्सिस बैंक वाले। तो यहाँ पे आप जो है वो एक्सिस बैंक के अंदर जाके अगर आपका जो है 50,000 का लोन है और 12 महीने के अंदर आपका टेन्योर है तो आपको 10% तक का यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है और मंथली जो आपकी ईएमआई बनेगी वो आपकी बनेगी यहाँ पे 4,407 रुपीस की। तो ये जो अमाउंट है ना या जो इंटरेस्ट रेट है या यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल रहता है, ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है क्योंकि ये जो लोन होता है आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट के अंदर काम करता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट यहाँ पे मार्केट की कंडीशन को देख के आपका डिसाइड होता है, ये आपका कम भी हो सकता है ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है।
तो यहाँ पे आपकी जो मंथली ईएमआई बनती है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी बन के आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे ना आपके अप्लाइंग करने की भी जो है वो चांसेस तभी ज़्यादा एलिजिबल हो पाएंगे जब आप एक सैलरीड पर्सन हो, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। ये देखो आपको जो है वो क्या क्या फॉलो करना है, तो यहाँ पे आपके पास केवाईसी करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, तभी जाके जो है वो आपका जो है वो लोन आपको जो है मिलेगा। तो चलो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि भाई किस तरीके से जो है वो आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाओगे। देखो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बताया है कि भाई यहाँ पे वेरियस फैक्टर यहाँ पे देखे जाते हैं, जहाँ पे आपका सिविल देखा जाएगा और आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा कि आप करते क्या हो, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका जो है वो लोन आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो मेक श्योर आपके पास 15,000 रुपये तक की सैलरी होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो यहाँ पे 21 से लेके 55 तक होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे रीपेमेंट डेट आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे बता होंगी, आप यहाँ पे एक बार जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ये बोलते तो हैं कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन मेक श्योर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तभी आपको जो है वो यहाँ पे से लोन मिलने वाला है। आपकी होनी चाहिए 15,000 रुपये की सैलरी, साथ ही साथ केवाईसी करना पड़ेगा आपको आधार कार्ड के साथ और पैन कार्ड के साथ। और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ही यहाँ पे जो है वो अपनी ईएमआईज भरनी पड़ेंगी, वरना आपको जो है वो एक लंबा चौड़ा इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है। और ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट के अंदर काम करेगा, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्योंकि पर्सनल लोन स्टार्ट ही यहाँ पे 10% से लेके 20% तक का जाते हैं। और कई कई एप्लीकेशन आपको बहुत ही महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको लोन देती है। और एक चीज़ मैं आपको और बोल देता हूँ, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले कहीं से किसी भी बैंक से लोन लिया है तो भाई यहाँ पे मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपका लोन यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है, आपने पहले बहुत सारे पे लेटर एप्लीकेशन से लोन ले रखे हैं और उनके पेमेंट अभी तक बाकी हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर साइकिल्स बाकी है, आपकी ईएमआईज ऑलरेडी ड्यूज है या ईएमआईज चल रही हैं, तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा, मैं आपको ये चीज़ें क्लियरली बोल देता हूँ। लेकिन अगर आप एक पेपरलेस लोन चाहते हो, फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। फ्लिपकार्ट अपनी सर्विसेज को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाह रहा है एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे जल्दी से जल्दी अप्रूव हो सकती है। मेरे केस में ऑलरेडी मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोन्स हैं, तो यहाँ पे मेरी जो है वो क्रेडिट प्रोफाइल अभी अप्रूव नहीं हुई है, और लेकिन क्रेडिट साइकिल तो ऑलरेडी मेरा 750 से ऊपर चल रहा है, 763 के आसपास चल रही है, वो इशू नहीं है। मेन जो इशू है फर्स्ट वाला, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने लोन ले रखा है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो भाई आप एम पॉकेट क्रेडिट भी साथ ही साथ जो है वो आप ट्रू बैलेंस वगैरह चूज़ कर सकते हो, जिससे आपको इंस्टेंटली जल्दी लोन मिलने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। और अगर आप एक FD रिलेटेड क्रेडिट कार्ड जानना चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड की नीड है, तो आप एक वन कार्ड को चूज़ कर सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक दे रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की FD करोगे तो उसके ऊपर आपको जो वो 5,100 रुपये की लिमिट मिल जाएगी कहीं भी खर्च करने की। तो आई होप यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, फ्लिपकार्ट से लोन कैसे लेते हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है। क्या इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है वो भी मैंने आपको बताया है, और कौन इनके बैंकिंग पार्टनर है या कौन आपको लोन दे रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।